जाना ही होगा, वरना पता नहीं देवयानी कब क्या कर बैठे। क्यों भाभी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इस बार उस देवयानी ने क्या किया? इस बार उसने अजय या रवि को नहीं बल्कि सेक्रेटरी ज्योति को अपने नफरत का शिकार बनाया। भाभी जी, ये मुझे बर्बाद कर देना चाहती है। ये लड़की यहाँ पर काम करने नहीं बल्कि काम करने के बहाने रंगलिया मनाने आती है। चुप हो जाओ देवयानी। इसने सोचा कि ये मेरे पति के साथ रंगलिया मनाएगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा। मम्मी जी, आप इसकी भोली सूरत में बच जाइए। ये एक नंबर की चालबाज लड़की है। इसने मेरे और मेरे पति के बीच फासले पैदा कर दिए ताकि वो मुझसे नफरत करे। पूछिए इसे घंटों तक मेरे पति के साथ ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट डिस्कस करती रहती है ये? मुझे इसे जरा चुप हो जाओ देवयानी। उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं हुई मुझसे आंख लगाने की। अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती तो पता नहीं वो क्या कर बैठती। उसने ज्योति को बदनाम करने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदनामी तो हुई लेकिन ज्योति की नहीं, देवयानी की हुई। अच्छा किया भाभी आपने उसे थप्पड़ मारा। अगर मैं आपकी जगह होती ना तो पता नहीं उसका क्या हश्र करती मैं। लेकिन भाभी, आपने ज्योति को समझा तो दिया ना, कहीं वो सरफरी देवयानी की बातों में तो नहीं आ गई? ज्योति समझदार है, अगर देवयानी अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो बहुत कुछ गलत हो सकता था। हो सकता था कि ज्योति अपना आत्मविश्वास खो बैठती, क्या झूठे इल्जाम के दवा में वो अपनी नौकरी छोड़ देती। पर भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो देवयानी चाहती थी। मैंने ज्योति से बात की, इतने दिन देवयानी के साथ रहने के बाद वो भी कुछ कुछ देवयानी को समझने लगी है, इसलिए वो देवयानी की बातों पर कम और काम में ज्यादा ध्यान देना जरूरी समझती है। वाह भाभी, अब तो कुछ ही दिन हुए हैं आपके ऑफिस ज्वाइन किए हुए। आपको अपने पूरे स्टाफ की जानकारी? सारे लोगों के बारे में तो नहीं ललिता, पर ज्योति अलग है। जानती हो हमारे कंपनी को कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके वजह से मिले हैं, हमारी कौन सी डील कौन से स्टेज पे है, किसके साथ डील करनी चाहिए, किसके साथ डील करने से हमें ज्यादा फायदा होगा, ये सारी बातें वो अच्छी तरह से जानती है। भाभी क्या बात है, आप तो अभी ऑफिस की हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइल्स, डील्स, बस यही चीजें आपकी बातों में शामिल होगी। वैसे भाभी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है तारा, जिसकी शादी बहुत जल्द होने वाली है और हमें उसकी तैयारियां भी तो करनी है। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, ये जो सारी चीजें है ना मैं एक फाइल में लिख के आपके कैब में भिजवा देती हूँ, ठीक है? कैसी बातें करती हो ललिता,
अपनी बेटी की शादी को मैं कैसे भूल सकती। अरे पगली, मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी। हाँ भाभी, और तारा की शादी खत्म होने तक मुझे नहीं लगता ये तैयारियों का सिलसिला खत्म होने वाला है। क्यों? हाँ ये तो है, इतनी सारी तैयारियां करने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है। अपनी बेटी को किसी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हारे भैया हमेशा यही चाहते थे कि तारा की शादी धूमधाम से हो, उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। तारा को दुल्हन बने देखना उनका सपना था, हमें उनका सपना पूरा करना होगा ललिता। तारा की शादी में कोई कमी नहीं रहने देंगे। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, पर तुम्हारे भैया का सपना हम पूरा करेंगे। हाँ भाभी, हम तारा की शादी वैसे ही कराएंगे जैसे भैया चाहते थे। अरे पगली, रोती क्यों है? अगर तू और राधा मेरे साथ ना होते तो ये सब कुछ मुमकिन ही ना होता। राधा के फैसले पर मुझे पूरा यकीन है। जानती हो, जब तक राधा को तारा और कुणाल के रिश्ते पर यकीन नहीं था तब तक मैंने भी इस रिश्ते में हामी नहीं भरी। इस परिवार की खुशियों के लिए राधा को अपनी हजार खुशियां कुर्बान करनी पड़े ना तो भी वो हिचकिचाएगी नहीं। राधा जैसी बहू हमारे घर में है ये सोचकर दिल को सुकून सा मिलता है। मुझे लगता है ललिता, पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे राधा जैसी बहू मिली। हाँ भाभी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं चलूं। आप नहीं जानती भाभी, इस वक्त भी राधा अपने दुखों को छिपाकर तारा की खुशियों में शामिल हो रही है। अजय, नाश्ता कर लो, तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बना। आखिरी बारी से तुम्हारी बदौलत ही तो मेरी पसंद बदल गई राधा, और फिर मैं ये ढोंग क्यों करूं जबकि मैं जानता हूं कि ना तो तुम्हें इससे खुशी मिलने वाली और ना ही मुझे। जब हमारे बीच का रिश्ता ही खत्म हो गया है तो फिर ये दिखावा करने की क्या जरूरत है। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, जो चाहो जैसे चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो जियो इस आजादी अपनी तरह से, और प्लीज मुझे भी चैन से जियो। अजय, 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 नाश्ता को मैं तो कहती हूँ भाभी, आपको वहां होना चाहिए। मैंने यूं ही तारा से कह दिया था कुणाल के बारे में। अरे वो तो इतनी नाराज होगी, इतनी नाराज होगी। अरे बाप रे, भाभी आपको तारा का चेहरा देखना चाहिए था। बाद में मैंने इसे समझाया कि मैं मजाक कर रही हूं। फिर शाम थी वो। तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? भाभी मुझे तो बहुत मजा आया कसम से। क्या बात है, अजय जल्दी ऑफिस चला गया? जी वो मम्मी जी शायद कोई जरूरी काम था उन्हें, इसीलिए आज जल्दी चले गए। पता नहीं अजय को आजकल क्या हो गया, जब देखो काम काम काम। अभी आप भी तो ऑफिस जाती है ना,
अजय का काम कुछ कम नहीं कर सकते। बुआ जी, अम्मी जी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। जी ना मम्मी जी, शुरू कीजिए। हम सबका इतना ख्याल रखते, अपना भी तो ख्याल रखा करो। बैठो हमारे साथ, नाश्ता करो। नहीं मम्मी जी, आप लीजिए ना, मैं ठीक हूं। बैठो जी। क्या बात है बेटा? जी वो मम्मी जी, आप मेरी इतनी परवाह करती हैं ना कि अपनी माँ की याद आ गई। जानती हूँ, बहुत दिन हुए ना तुम्हें अपनी माँ से मिलकर। पर बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा जो नेक काम करने गए हैं उनसे उनका उद्धार होगा। अरे पगली, तीर्थ यात्रा पर जाना हर इंसान का सपना होता है, लेकिन दुनियादारी के बोझ के तले दबकर हर इंसान ये सपना पूरा नहीं कर पाता। तुम्हारे मम्मी पापा तो खुश नसीब है, उनका सपना पूरा हो गया। और फिर इतनी लंबी जिंदगी जीकर अगर भगवान के धाम के दर्शन न हुए तो ये जिंदगी किस काम की, है ना? और फिर तुम्हारे मम्मी पापा अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। मैं और ललिता बुआ है ना? अरे पगली, बहू नहीं बल्कि बेटी माना है तुम्हें, तो इस नाते क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? मेरे परिवार वालों से तो तुम दूर हो चुकी थी और अब मुझसे अलग होना चाहती हो। धोखा तुम दे रही थी राधा मुझे, मैं नहीं। बहू नहीं बल्कि बेटी माना है तुम्हें, तो इस नाते क्या मैं तुम्हारी मां नहीं हूं? राधा, राधा भाभी, मैं हूं ना, आप आराम से ऑफिस जाइए, मैं राधा को देखती हूँ। थैंक यू। इस वक्त घर पर सिर्फ संजना है और वो भी रसोई में। कम से कम अगले आधे घंटे तक तो वो रसोई से बाहर नहीं आने वाली। ऐसे में ही फोन करना ठीक होगा। हेलो देवेश मीटिंग। डैड, आप हैरान हो गई होंगी ना मेरी आवाज सुनकर।
यकीन नहीं हो रहा होगा तुम्हें कि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आप है कहाँ रहे? मैं कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम तो अपने घर में खुश हो। देवयानी बेटी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस उम्र में भी एक बेटी अपने बाप को धोखा दे सकती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी आपकी परवाह नहीं करूंगी? नहीं, मैं जानता हूं बेटा तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, मैंने तुम्हारी मदद लिए बिना अपने रहने का इंतजाम कर लिया, लेकिन दिव्या ने बेटी मुझे मदद करने में बहुत इंतजार करवाया था। मैं जानता हूं हर इंसान के साथ कभी ना कभी अच्छा और बुरा दोनों बनता थे। आज मुझ पे आया, हो सकता है कल तुम पे आए, लेकिन कल जब तुम पे ये बुरा वक्त आएगा ना, तो मैं तुम्हें इंतजार का मतलब क्या होता है इसका एहसास जरूर करूंगा, क्योंकि तू तो जानती है तेरे बाप ने हमेशा हिसाब बराबर रखा है। अगली बार भी मैं हिसाब बराबर रखूंगा। डैड, आपने भी मुझे गलत ही समझा ना। तू भी तो अपने बाप को समझ नहीं पाई ना बेटा। मैंने भी कभी सोचा भी नहीं था कि तू भी अपनी माँ की तरह मुझे धोखा देगी। आप जानते नहीं कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ, फिर भी आप जैसे तुझे मेरे हालात के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जिंदगी में मॉम का साथ नहीं दिया, आपका साथ दिया। मैंने अपनी जिंदगी तक आपके लिए दांव पर लगा दी। रवि मेरी जिंदगी का मकसद कभी नहीं था, उसकी तबाही को मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया आपके लिए डैड, आपके लिए। और आप ही मुझे कह रहे हैं कि मैं भी मॉम की तरह आपको धोखा दे रही हूँ। नहीं, गलती तेरी नहीं है बेटी, लड़कियां तो पराई होती है लोग कहते हैं, और कल को अगर तू पराई हो भी गई तो इसमें हैरान होने की क्या बात है, ये तो दुनिया का दस्तूर, अच्छाई करो बुराई मिलती है, साथ दो धोखा मिलता है। तुम जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। मैं तो बस यही दुआ कर सकता हूं ना, खुश रहो। डैड, आप भी मुझे गलत ही समझ रहे हैं, आप भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक आप ही तो थे जो मुझे अपना समझते थे। लगता है मैंने जिंदगी में सबकी नफरत ही कमाई है, किसी का विश्वास नहीं। रॉन्ग नंबर था। मैं उसको कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई फोन मिलाने से पहले चेक तो किया करो कि कौन सा फोन डायल कर रहे हैं हम। लेकिन फोन क्या लग गया, रॉन्ग नंबर शुरू हो गया। नहीं, लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, इस रॉन्ग नंबर वाले को मैंने राइट की तरफ फिट कर दिया, अब दोबारा फोन नहीं आएगा। कोई बात नहीं बाबा, राइट हो या रॉन्ग ये सब अब आपको संभालना है। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं बेटा, थैंक यू वेरी मच। तुम चिंता मत करो बेटा, अब सब तो मुझे ही संभालना है।